गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि मुझे एक दो दिन से चीना रोज कह रही है कि मम्मी मैं रेसिपी देना चाहती हूँ, मेरे को रेसिपी देनी है क्योंकि इस बहाने मैं भी सीख लूँगी। अब मेरी शादी होने वाली है तो आपको पता है कि मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं आता, तो ऐसे कम से कम यूट्यूब में कम से कम बनाने के बहाने मुझे भी आ जाएगा और जिनको नहीं आता मेरी तरह जो है वो भी सीख जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, बड़े दिन से मुझे कह रही है तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं। कहती मैं ना ब्लॉग में नहीं बताना चाहती, मैं एक अलग से मतलब अलग से रेसिपी का दूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो कोई बात नहीं गाइज, मैं इस ब्लॉग में इसका नहीं दिखाऊंगी, तो ये अलग देना चाहेगी तो अलग से रेसिपी दे देगी। अब बता तूने कौन सी रेसिपी देनी है, क्या देना चाहती है? वो डिसाइड करेगी क्या क्या बनाएगी। हैं, अच्छा सा बनाइयो, अच्छा सा हो ताकि कोई सीखे तो कम से कम समझ तो आए कि भाई ये चीज़ बन रही है और वही 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 चीज़ हो जो सारे खाना पसंद करते हो। मेरी पूछी को देख लो, आराम से यहाँ पर बैठी है, ये देखो सोई हुई है, ये आराम से अपना ज़मीन पे, क्योंकि देखो एसी चलता है ना तो जो ये फर्श होता है ठंडा हो जाता है तो इसको अच्छा लगता है। आराम से देखो अभी हिल गई है, अभी अच्छी वाली सो रही थी। और कोको बाहर खड़ी हुई है, आते जाते बच्चों को देख रही है क्योंकि बच्चे बाहर खेल रहे हैं ना, तो पूछी कोको उनके पास, कोको का बड़ा इंटरेस्ट है बाहर बच्चों को देखने में, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। इसका नहीं है, इसका बस ये है कि मैं अंदर बैठ जाऊँ, उसको है कि मैं बाहर चली जाऊँ। तो ये आराम से देखो गाइस, आंखें खोली हुई है इसने, इसको चीना ने नहलाया था, देखो कैसे साफ सुथरी हो गए दोनों। सो हाय गाइस, मैं आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे आपने बहुत सारे पूछे थे, अब मैं उनका एक एक करके जवाब देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने पापा के फ़ोन से एक फ़ोटो खींची है जो मुझे पापा ने दिखाया, सुख जीवन 3108 करके है, उन्होंने बोला नाइस ब्लॉग आंटी जी, आपका हर ब्लॉग देखती हूँ, लाइक करती हूँ, कमेंट भी करती हूँ, बट आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते, एक ब्लॉग ऐसा नहीं बनाए, सब पे रिप्लाई देती हूँ मैं, हम सब आपका ब्लॉग देखते हैं टाइम निकाल के, आप ही हमारे कमेंट का रीड करो, लव यू आंटी जी। मैं इसका जवाब मैं देती हूँ, थैंक यू सो मच जो आप हमारा ब्लॉग देखते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सारे कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, अब मैं हर थोड़ी देर बाद कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ। तो बस ये है कि मैं क्या जवाब दूँ आपको, क्योंकि आपके कमेंट्स हैं अच्छे होते हैं, अगर कोई बुरा बोलो कुछ बोलो तो मैं उसका जवाब भी दूँ। आप हमारे ब्लॉग देख रहे हो, हमारे को अच्छा लग रहा है, तो मैं इसका क्या जवाब दूँ, कुछ क्वेश्चन नहीं है, बस हम लाइक करते हैं, हम देखते हैं, हम उस चीज़ को आपको थैंक यू बोलते हैं, आप हमें इतना पसंद करते हैं। हाँ, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते तो मैं उसका जरूर जवाब देती, थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो सेकेंड क्वेश्चन है दिशा असरानी का 8504, चीना आपका रियल नेम क्या है? तो मेरा रियल नेम है स्वाति बसरा। आप शादी कब करोगे? तो मैं शादी इसकी नवंबर में करूंगी, क्योंकि मैं गर्मी में नहीं करना चाहती, तो लड़का हमने देख लिया है, बस अभी जैसे ही आशु की वरीना होगा उसके बाद हम डेट निकलवाएंगे पंडित के पास, अगस्त में या सितंबर में फर्स्ट वीक में, तो हम इसकी एंगेजमेंट कर देंगे। उसके बाद 2-3 महीने का हमारे पास टाइम होगा, तो हम तैयारी करेंगे, लेना देना क्या करना है, शादी का वेन्यू क्या है, कहाँ शादी करनी है, कहाँ सगन करना है, कहाँ हल्दी रखनी है, मतलब कि कहाँ कॉकटेल पार्टी करनी है, तो सारी चीज़ें हम करेंगे, कपड़े वगैरह लेने देने ये सब, हमें 2-3 महीने चाहिए इसके लिए, तो बस शादी इसी साल हो जाएगी गाइस, और खुशखबरी आपको मिलने वाली है। आगे लिखा है आप जॉब करती हैं क्या? हाँ गाइस, मैंने सबसे पहले तो मेरे ये क्वेश्चन था एक वन कि मैंने क्वालिफिकेशंस क्या क्या करी, तो गाइस मेरी 12th कम्प्लीट हुई थी 2016 में, उसके बाद मैंने अपने जर्नलिज्म का कोर्स करा था टेक वन स्कूल ऑफ मास एंड कम्युनिकेशन से, वो मैंने करा था 3 साल का था, और उस दौरान मुझे मेरे पास क्लिप्स अभी भी पड़ी हुई है, मैं जब टीवी में आई थी जी न्यूज़ में, और मतलब मेरे पास वो क्लिप्स है, अगर मेरे को जैसे वो तो फ़ोन मेरा लॉस्ट हो गया था लास्ट टाइम जो चोरी हुआ था उसमें थी, बट मेरी कुछ कुछ क्लिप्स मैं ढूंढ के दिखाऊंगी, मेरे पास पड़ी हैं शायद लैपटॉप पे, मैं अगले ब्लॉग में शेयर करूंगी। मैं टीवी पे आई थी, न्यूज़ चैनल्स में थे बहुत सारे, मतलब उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी उसी में जर्नलिज्म में, उसके बाद मतलब इन मीन टाइम मेरी जॉब लग गई थी कॉलेज के बाद, वहाँ पे टेक गेम्स ऑप पे मेरी जॉब लगी थी एज अ PR, मतलब पब्लिक रिलेशंस में, ये जर्नलिज्म में ही आता है, वहाँ पे जितने भी यूट्यूबर्स होते थे उनसे बात करके ऐड प्लेस करते थे, मुझे नहीं पता कि थोड़ा टाइम बाद में यूट्यूब में मैं खुद ही घुस जाऊँगी, तो हम उन बड़े बड़े यूट्यूबर से बात करते थे, उनके उनके जो भी पेजेस में होते थे हम ऐड चलवाते थे अपने गेम जॉब की, तो वो मेरी जॉब चलती रही, फिर आ गया कोविड के बाद मैंने करी वो जो
घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम, उसके बाद मैं शिफ्ट होगी किसी और कंपनी में, वहाँ से मैं अभी भी काम करती हूँ, वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। मेरा ये काम नहीं है कि मैं पहले मैं जाती थी ऑफिस, पहले मैं सीपी जाती थी, सीपी के बाद मैंने गुड़गांव जाना शुरू करा, फिर कोविड हो गया तो घर से हो गया, तो उसके बाद मुझे घर से ही जॉब मिल गई थी। अगला क्वेश्चन है, ये यूज़र का नाम है, यहाँ पे कोई नाम नहीं आ रहा है, तो ये कि यूट्यूब ने हमारी लाइफ कैसे चेंज करी। तो आप एक बार अपनी मम्मी सारे बोलते अपनी यूट्यूब जर्नी बताओ जो आपने स्टार्टिंग से हुआ आपके साथ, कैसे आपने स्टार्ट करा, क्या हुआ। देखो 2022 जब जनवरी आई ना, तो चीना शिमला गई हुई थी, याद है 2022 में तो शिमला गई हुई थी, मुझे अच्छे से याद है। तो ये शिमला गई हुई थी तो मुझे संदीप का फ़ोन आया कि मम्मी आप मतलब कि आप करोगे ये यूट्यूब में आओगे तो आप अपना चैनल बनाओ। तो मैं हंस पड़ी, मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे तो बोलना नहीं आता, मुझे तक तो यहाँ तक ऐसे फ़ोन पकड़ना ही नहीं आता, आप ऐसे पकड़ते हो। कहते मैं आपको सिखा दूंगा, आप चीना को लेके आओ। चीना गई हुई थी शिमला, तो मैंने चीना को फ़ोन मारा, ऐसे ऐसे तेरे जीजू बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम लोग अपने ब्लॉग शुरू करो। तो चीना कहती है मम्मी हम नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो मगर मैंने उनको मना किया तो वो गुस्सा हो गए, दोनों मियाँ बीबी, गोलू भी गुस्सा हो गई, पायल भी गुस्सा हो गई और संदीप भी, आप नहीं आए तो हम आपके घर नहीं आएंगे, यानी कि हम डर के मारे उनके घर चले गए। चीना आ गई शिमला से, जैसे ही आई चीना ने वही की वही अटैची उठाई, सेम चल दी, क्योंकि सर्दी का सारा चाहिए था। मैंने भी अपनी एक अटैची बनाई, मैं चल दी, हम 15 दिन उसके घर गए। तो 4 तारीख को हम यहाँ से निकले थे, 4 जनवरी को, 5 जनवरी को हम 4 को रात को पहुँचे, 5 जनवरी को पहला मेरा ब्लॉग स्टार्ट किया पायल ने, क्योंकि गोलू कहती है मम्मी जो पायल स्टार्ट करती है ना उसकी किस्मत चमक जाती है। तो मैंने कहा ठीक है पायल करे, गोलू कर ली, मेरी तो दोनों बेटियां बराबर है। तो मेरे पायल ने मेरा शुरू की, जैसे गुड मॉर्निंग गाइस कैसे है, आज मम्मी ने ब्लॉग शुरू किया है, जैसे आप हमें प्यार करते हो वैसे मम्मी को प्यार करो, ये है सारी, जैसे आपको पता है कि पायल बहुत अच्छा बोल लेती है, तो उसने ऐसे स्टार्ट किया। बीच बीच में वो लोग आते रहे, कभी संदीप आ गया, कभी कुछ आया, मतलब मैं कम आई ये लोग ज़्यादा आए, धीरे 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 करके मुझे 15 दिन मैं वहाँ रही, 15 दिन में मैं सब कुछ सीख गई। चीना ने उनके कैमरे से बनाया, हमारे पास फ़ोन नहीं था, था तेरे पास नहीं, मेरे पास था, पास था, मेरे से तो बन रहा था, नहीं उन्होंने कैमरा दे दिया था हमें, तो घर आकर तो 13 पर, हाँ वहाँ हमने कैमरे पर बनाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि कैमरा लेके चले जाओ आप घर, तो चीना ने कहा नहीं जीजू मैं अपने फ़ोन से ही बनाऊंगी। तो फिर चीना फ़ोन से बनाने लग पड़ी, तो थोड़ी देर में दिक्कत आने लग पड़ी। चीना बाहर जाती थी तो मेरे पास फ़ोन नहीं होता था, मैं बैठी रहती थी। ब्लॉगिंग का क्या मतलब है कि जब फ़ोन आएगा तभी ब्लॉगिंग होगी, ऐसा नहीं होता था। फिर हमने जाके 13 लेकर आए, हाँ 13 लेके आए, तो फिर मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर दी। आज ऐसा वक्त है, फ़ोन ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, इधर घुमा लो उधर घुमा लो, ये मेरे लिए तो एक खेल ही हो गया है। गाइस ब्लॉगिंग करते हुए आज मुझे 2.5 साल हो गए हैं। अब ये बताओ कि लाइफ आपकी चेंज कैसे करी, मतलब कि क्या आपका ऐसा चेंज हुआ आपकी लाइफ में, बस लाइफ में चेंज हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया, आप लोगों से मिलने का मिलने जुलने का तरीका पता चला, लोग हमें मिलते हैं तो कृतिका मलिक की मॉम आ रही है, संदीप की अरमान की सास आ रही है, बच्चे बहुत प्यार करते थे हमारे, मतलब चेंज ऐसी है लाइफ की, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, हमारे लोगों को देखने का तरीका बदल गया। हाँ। जैसे हमें पहले मतलब हम घर होते थे हमें नहीं पता होता, अब हमें चीज़ें पता होती है कि बाहर मतलब कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बहुत चीज़ें यहाँ की चेंज होती है। हम लोग हमसे लोग कनेक्ट करते हैं, हमें दिखता है कि मतलब लोग हमें कितना प्यार करते हैं और कितने लोग हमारी बातें मानते हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि वो हमें कुछ कहते हैं हम उनकी बात मानते हैं, या हमें कोई सजेशन चाहिए हो, कोई डॉक्टर हो, कुछ भी हो, वो हमें बताते रहते हैं। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन है, हु इज बाय ज़ोया का, चीना अपनी फुल डाइट और एंड क्या वर्कआउट करती हो, व्हाट डू यू डू इन डेली लाइफ। तो गाइस मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले तो मेरे ये वर्क मेरे को बहुत क्वेश्चन यही साथ सबके मतलब 90% क्वेश्चन ये थे, पहले तो मतलब 40% क्वेश्चन शादी का था, 40% डाइट का था और बाकी 10% ऐसे थे। तो मेरे को ये मतलब ज़्यादातर सभी ने यही क्वेश्चन पूछा कि आपकी डाइट क्या है, आप क्या लेते हो, आप कैसे पतले हुए हो, आप कोई स्लिमिंग प्रोडक्ट लेते हो, आप ये करते हो। गाइज मैंने पतला होना शुरू किया था अक्टूबर में, आज ये आठ महीने हो गए मुझे पतले होते हुए। मैं अपनी पुरानी फोटो भी लगाऊंगी और अब की भी लगाऊंगी तो बहुत बहुत फर्क है। मैं तब 83 की थी और अब मैं 57 की हूँ करंटली, मैंने जब वेट यूज कर देखा अपना। तो मतलब मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने डाइट प्लान शुरू करा था, सबसे पहले मैंने अपने शुगर इनटेक कम करा, जो मैं शुगर बहुत खाती थी, मैंने तला हुआ कम करा, मैंने बिल्कुल 6 महीने तो अब मैं खाना शुरू हुई हूँ थोड़ा बहुत तला बाहर का, मैंने बहुत ज़्यादा बाहर का खाती थी, मतलब मैं घर का मुझे मैं कभी नहीं खाती थी था, अब तो मैं फिर भी रोटी खाती हूँ 3-4 महीने से, पहले तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं खाती थी।
सबसे पहले मैंने शुरू करा लिक्विड से. मैंने एकदम पहले थोड़ा थोड़ा लिक्विड डाइट पे आई. मैं छाछ पी और मतलब उस समय ना सर्दी आती, तो सर्दियों में हमें भूख ज़्यादा लगती है, लेकिन मतलब अगर हम जैसे पानी वगैरह पीते रहे ना तो हमें सही लगता है. मैंने सबसे पहले गर्म पानी पीना शुरू करा, जीरे वाला, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. अगर आप चाहते हो कि मैं इसके लिए अलग ब्लॉग बनाऊँ डाइट का, तो मैं वो भी तैयार करती हूँ कि डाइट की जो रेसिपीज़ होती है मैं वो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ. तो मैं वो अलग ब्लॉग में बना दूँगी. पानी छाछ पीनी शुरू करी मैंने, और मौसम्बी और उसका जूस निकालती थी ना मैं, ऑरेंज का मौसम्बी, मम्मी और ये शिरडी चले गए थे, मैं अकेले पीछे लगी रहती थी. और मैंने पतला दाल का पानी, जो हमारी येलो वाले जो होते थे, उसका पतला पानी पीना शुरू करा धीरे धीरे करके. मैं ना जैसे हम लोग होते हैं 3 बार रज के खाना खाते हैं, मैं 6 बार खाती हूँ, लेकिन थोड़ा 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 खाती हूँ. इससे हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो भी स्ट्रांग रहता है, और हमारा मतलब जो वेट, मतलब सिर्फ ये गलती हुई है मेरे से कि मैंने एकदम से ना पतले होने के चक्कर में बहुत जल्दी वेट रिड्यूस कर लिया. मैंने खाना पीना बहुत कम कर दिया, जिस वजह से मेरे को विटामिन और आयरन की कमी आई. मैं मानती हूँ बस आप ये चीज़ कभी मत करना, आप हेल्दी डाइट के साथ चलना. क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है कि मैंने पनीर वगैरह नहीं खाया, हमेशा पनीर, कार्ब्स, प्रोटीन प्रॉपर लेना, ताकि जो से मेरा फेस डल हुआ है आप सबका ऐसा ना हो. तो अगर आप चाहेंगे तो मैं इस चीज़ को लेकर अलग एक व्लॉग बना दूंगी, अलग से आपको प्रॉपर डाइट जो सुबह से शाम तक आप खा सकते हैं, मैं आपको वो जरूर शेयर करूंगी आपसे. कल कमेंट्स आए थे कि जब पूजा आई थी और कंचन की लड़की आई थी, तो एकदम मतलब कि जो पूछी थी, मतलब कि एकदम ऐसे करा तो वो डर गई, बहुत ज़्यादा डर गई थी. वो सुबह सुबह के रो रही थी. तो क्या होता है कि सबने लिखा हुआ था आप कोको पूछी को कमरे में बंद कर दो. कोको को तुम कमरे में बंद कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर हम पूछी को कमरे में बंद कर दें, पूछी इतना भोंकती है, इतना भोंकती है, इतना भोंकती है कि दिमाग का दही कर देती है. मैं कहती हूँ दरवाज़ा बंद कर लो, कुछ भी कर लो. मैं कहती हूँ पूरे हमारे घर में सबका सिर दर्द हो जाता है. तो सिर दर्द करवाने से अच्छा होता है, मैंने यही बोला चीना को, इसके पापा को, कि एक बंदा पूछी को लेके बैठ जाए और मैं सारा घर का काम कर लूँगी. बस एक बंदा लेके बैठ जाए. पूछी अगर गोदी में रहती है तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है. पूछी यहाँ लेटी हुई थी, बस उसने पाँव पता नहीं क्यों रखा, क्या हुआ, हल्का सा पैर. पूछी डर गई, पूछी ने सोचा शायद मुझे पाँव मार रही है, क्योंकि दोनों के दोनों गलती किसी की भी नहीं थी. मगर बच्चा रोया, मुझे अच्छा नहीं लगा. इतना ज़्यादा तंग करती है कमरे में, इतना ज़्यादा भोंकती है कि गाइस सिर में हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो जाता है सबके, सोनिया के, डॉली के, क्योंकि वो तो बिल्कुल उस कमरे में नॉन स्टॉप भोंकती है. हमें भी डर लगता है कि कहीं भोंक भोंक के इसका गला ही ना सूख जाए. चीना एक बात बताओ, क्या आप व्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए पैसा मीन्स फंड्स चाहिए होते हैं? आपके ब्लॉग्स टू मच इंटरेस्टिंग होते हैं. इंद्रजीत कौर जी का आया ये. तो गाइस मैं आपको ये बोलूँगी, जैसे अगर आपको व्लॉग स्टार्ट करना है तो पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई पैसा चाहिए. हाँ, अगर आपको ट्रैवल व्लॉग्स करने हैं तो आप बाहर जाओ तो उस चीज़ का देखो पैसा लगेगा. हाँ, अगर आपको फूड व्लॉग्स करने हैं तो जो घर जो राशन होगा वो तो घर में जो आता है वो भी थोड़ा बहुत जो लगेगा. अगर जैसे आपको डेली व्लॉगिंग करनी है तो एक फ़ोन होना चाहिए बस. आप अपनी डेली लाइफ अगर लोगों को पसंद आ रही है तो आप वो दिखा सकते हैं. कई बार हमें बाहर भी जाना पड़ता है. हाँ, ऐसा नहीं घर बैठ के नहीं. मतलब स्टार्टिंग के लिए तो हमें पैसा नहीं चाहिए, बट इन दी एंड इवेंचुअली अगर आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर कोई चीज़ तुम्हें पैसा दे रही है तो कहीं ना कहीं वो पैसा लगता ही लगता है. और मुझसे एक क्वेश्चन आया था किसी का, वो मेरे को कमेंट मिल नहीं रहा है कि क्या आप शादी के बाद भी ब्लॉगिंग करेंगे. तो हाँ, मैं शादी से पहले जब मेरा रिसेप्शन एंगेजमेंट होने लगी, उससे मैं कम से कम 15-20 दिन पहले ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूंगी. मैं प्रॉपर मैं कहाँ से कपड़े ले रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं पूरा दिन मतलब एक एक चीज़, मैं अगर चप्पल भी ले रही हूँ तो मैं कहाँ से क्या ले रही हूँ, मैं वो सब कुछ दिखाऊंगी. प्रॉपर एक चीज़ एंगेजमेंट का दिन होगा, उसकी तैयारियाँ कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बाद क्या क्या, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं, क्योंकि वो चीज़ ओपन हो जाएगा. जैसे पूजा और मनु का हो, मनूर जी जो का हो गया था, तो वो प्रॉपर रहेगा. और शादी के बाद भी हाँ गाइस मैं ब्लॉगिंग करूँगी. बस एक बार हमें डेट पता चल जाए कि एंगेजमेंट की डेट क्या है, डेट क्या है, उसके बाद हम अपना कपड़े वपड़े जहाँ से लेंगे कहीं सब कुछ दिखा. आपको भी कुछ चाहिए तो अगर हमारी चॉइस अच्छी लगी, मैं प्राइस वगैरह सब बताऊँ, सब बताएंगे हम, एक एक चीज लेंगे. कोको पूछी वॉक पर कब जाते हैं? प्लीज चीना डाइट बताओ, जो मैं बता चुकी हूँ आपको. कि बस मैं आपको एक फिर बताऊंगी गाइस, अनफिट खाना छोड़ दो, जिम से बहुत फर्क पड़ता है. जिम जाओ, अपने डाइट पे ध्यान रखो, वेट लूज के लिए तुम जितना हो सके, और सब मेन इंपॉर्टेंट है पानी पियो, बहुत पानी पियो. सच में बता रही हूँ, अगर तुम पानी नहीं पियोगे ना तुम पूरा टाइम डिहाइड्रेट रहोगे.
और यू पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग. ये हमें पलक अरोड़ा की तरफ से है, तो थैंक यू सो मच. कोको पूछी को वॉक पर मैं बाहर गली में छोड़ देती हूँ थोड़ी देर अपना. काकू रोज लेके जाता है, सर तक रोज लेके जाता है. तो ये चले जाते हैं, बाकी टाइम भी छत पे चले, छत पे अपना घूमते रहते हैं. ये ना छोटी ब्रीड्स है, मैं गली में इनको जाकर बाहर लेके जाती हूँ ज्यादा, तो डॉग्स ना पीछे पड़ जाते हैं. इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि ये घर में ही रहे, ऊपर नीचे हो जाए, और गली में हम इनको घुमा लेते हैं. और मैं आपको बताती हूँ, कभी कभी हम इसको स्कूटर पे लेके जाते हैं ना कोको पूछी को, बड़े बड़े कुत्ते हमारे पीछे भागते हैं, हम डर जाते हैं कि कहीं हमारे डॉगी को कोई नुकसान ना हो जाए. हाँ डियर, आप अपने दूल्हे से कब मिलवाएंगे? तो मम्मा बता चुकी है, सीधा आपको एंगेजमेंट वाले दिन ही मिलेंगे. बस हम लड़के की शक्ल एंगेजमेंट वाले दिन गाइज आपको दिखाएंगे, बस उसके बाद तो फिर आप देखते ही रहेंगे, देखते ही रहेंगे, देखते ही रहेंगे. अंकल आंटी की नोकझोंक इतनी पसंद है, मैंने आपको कभी बोला है आपको कुत्ता काटे मैं आपको इंजेक्शन लगवा दूंगी. पापा आपके लिए क्वेश्चन आएगा. हाँ बोल. क्या अंकल आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी? निधि चावला जी पूछ रहे शादी से पहले. हाँ थी. कौन थी? वो तो बीत गई ना, जो थी बीत गई, ऊपर चली गई क्या? क्या वो ब्लॉग देख रही है पापा? आपकी बात होती है शायद, हो सकता है ब्लॉग देखती हो, तो उसकी शादी हो गई, वो अलग से रह गई, तेरी मेरी शादी हो गई, तू मैं यहाँ आ गए. क्या पता आप शादी के बाद उसके साथ बात भी करती हो फोन पे. कुछ हो सकता है, कुछ कह सकती है. कैमरा जाके चेक करो पापा फोन पे. तो इसका मतलब मेरा फोन अपने पास रखो, मैं आपको फोन जैसे कह देते हैं, कोई बात नहीं. ठीक है मम्मी, बात कर लेगी अगली बार. 32 साल बाद थोड़ा सा शक पैदा हुआ मुझे. हुआ है? चलो कोई बात नहीं, वो अपना शक भी पूरा कर लिया, मैं आपको फोन रख लिया अपने पास. मेरी जैसी सुंदर है क्या? तू सुंदर तभी तो मैंने तेरे से शादी की है. अच्छा, यानी कि वो सुंदर नहीं है. चलो ठीक है ठीक है ठीक है. लाल जी की तरफ से हमें 15 क्वेश्चन आए हैं, तो मम्मी मैं एक एक करके आपसे क्वेश्चन पूछते आप जवाब देना. ठीक है, आपको ज्यादा घर में रहना पसंद है बाहर? मेरे को घर में रहना पसंद है. आप डॉग्स के लाइफ टाइम तक रखोगे अपने घर? बिल्कुल, जब तक इनकी सांस में सांस है तब तक मैं जरूर अपने साथ चिपका के रखूंगी. आपको आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा कौन डांट मारता है? ये शायद मेरे लिए बोले. मेरे को कोई डांट नहीं मारता गाइस. मैं किसी की डांट नहीं ज्यादा सुनती. मैं कुछ ऐसे करती नहीं जो मुझे डांट मारो. आपको आउट ऑफ स्टेशन जाना पसंद है? आउट ऑफ स्टेशन बोला नहीं लिया. हाँ स्टेशन जाना पसंद है. मुझे तो बहुत पसंद है गाइस. आप हम सबको लाइव सब्सक्राइब करने वाले फैंस अच्छे लगते हैं? बहुत पसंद है. वो तो बहुत पसंद है, हमारी जिंदगी यही लोग हैं. हाँ सदके जाऊं. मैं बहुत फास्ट वे में टाइप कर रहा हूँ, कोई गलत लगे तो फील मत करना. छठा क्वेश्चन मिस हो गया. कोई बात नहीं. आपको ड्राइविंग पसंद है? बहुत बहुत, मुझे तो बहुत पसंद है. ये मेरे पापा से मुझ में आया है. और कन्नू, हम कन्नू में और पापा एक जैसे, मम्मी और गोलू एक जैसे, इनको बिल्कुल बस इनको साथ बैठना पसंद है. हम डरपो क्या डरपो. और हमें, मैंने स्कूटी साइकिल वो बुलेट, मेरा एक दोस्त था उसकी बुलेट चलाई है मैंने, और क्या कहते हैं गाड़ी तो मैं चलाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ड्राइविंग. मैं गिरती पड़ती रहती हूँ, अभी भी मेरे सारे पैरों पे ये देखो ये सब निशान है मेरे, ये देखो ये बहुत निशान है. मैं इतना गिरी हूँ, मुझे लगता है मैं कन्नू से भी ज्यादा गिरी हूँ ना, पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी. तो मम्मी आपको सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है? मुझे सबसे खाने में ज्यादा मुझे कड़ी चावल पसंद है. मैं शादी कर रही हूँ तो जन्म कुंडली में विश्वास रखते हो? दिखाओगे आप लोग? हाँ जरूर दिखाएंगे जन्म कुंडली में, विश्वास रखते हैं. तेरी दादी बहुत रखती थी. आप शादी में डांस करोगे खुद की शादी में? हाँ मैं बहुत नाचूंगी गाइस. व्लॉग देख थक गई, मैं इतना नाचूंगी ना, हर मैंने इतने सारी वीडियोस सेव करी. पता है क्या लिखेंगे? कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं. दुल्हन बेशरम है, मैं दुल्हन को शर्म ही नहीं है. बदतमीज दिल माने ना. भाई कोई बात नहीं, मेरी एक शादी है गाइस, मेरे को जो करना है वो करूंगी. आपको ज्यादा बात करना पसंद है कम बोलना? मुझे तो बहुत बोलना पसंद है, मैं पूरा दिन बोल सकती हूँ, नॉन स्टॉप बोल सकती हूँ, अभी मैं नॉन स्टॉप बोल सकती हूँ. आपको लूडो गेम पसंद है? हाँ कोविड में जब कोविड आया था तब बहुत खेली है, ऑनलाइन सबके साथ या फ्रेंड्स के साथ बहुत खेली है. आपके साथ वाले घर में कभी चोर आया है? हाँ बिल्कुल आया है. क्या हुआ था, क्या चोरी कर रहा था वो? मोटर पानी की मोटर. आपके पास कौन सा मोबाइल है गाइस? मेरे पास इस समय 15 प्रो मैक्स है. आपको साथ निभाना साथिया पसंद है सीरियल? मेरे को पसंद था गाइस, ये बच्चे थे ये क्या देखते थे, मैं देखती थी गोपी बहू. एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन आंटी जी.
आप अंकल को क्यों नहीं बोलने देते? अंकल को क्या किसी को भी नहीं आप अपनी बात पूरी करने देते? आपके चैनल का नाम फैमिली चैनल है, ना कि ललता चैनल। आप गाइस मैं अपना चैनल का और ये क्वेश्चन सरदारनी जी, सरदारनी 1270 ने बोला है, सबको अपनी बात पूरी करने दिया करो। ठीक है गाइस, आगे से मैं नहीं बोलूंगी। गाइस पता क्या होता है, मम्मा ही चैनल चला रही है तो मम्मा का ये होता है कि जैसे उनका चैनल है, आप कितना भी बोलो ललता चैनल है, लेकिन ये मम्मी का ही चैनल है, मम्मी के दम पे ही चल रहा है, तो वो मम्मा अपनी बात कन्वे करना चाहती है, क्योंकि मैं इतना नहीं ज्यादा बोलती, पापा भी इतना कम, क्योंकि जैसे पापा बोलते तो फिर कई बार वो फंबल कर जाते हैं कुछ भी, तो मम्मा ही प्रेफर करती है ज्यादा। कई बार मेरे हस्बैंड बोलते हैं तो आप लोग लिख देते हो, तो इनको इनकी बात तो कुछ समझ नहीं आती, पता नहीं कैसे बोलते हो, तो मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ आ रही थोड़ा बोल ले, बाकी मैं बोल ली, मैं इसलिए करती हूँ, बाकी कोई बात नहीं, अगर आपको पूरी टाइम इनकी बात सुननी है इनकी सुन लो। तो गाइस अभी 11 क्वेश्चन फिर से और आए हैं, ये आया है ट्यूबर रिएक्शन वीडियो वालों की तरफ से। ये क्यों आ रहे हैं, हमने कहा था ना हमें क्वेश्चन आंसर का जवाब, आज गाइस आपको आपके क्वेश्चन आंसर का जवाब मिल जाएगा। आपकी और कृतिका की बॉन्डिंग ऐसी है? मेरी और कृतिका की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, मम्मा और कृतिका की, तो चलो बेटी की तो होती है, बहुत बहुत अच्छी है, मतलब कृतिका अभी भी वीडियो कॉल आई, अभी भी थोड़ी देर पहले वीडियो कॉल आई, जैद फोन खींच रहा था, जैद फोन दे ही नहीं रहा था, कहती मम्मी अब तो मैं वीडियो कॉल भी नहीं कर सकती, फोन ही खींच लेता है। आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हो? हर कोई अपने माँ बाप को ही देता है, भाई बहन फैमिली, और है फैमिली को ही देनी चाहिए, मुझे नहीं लगता बाहर वालों को देके कुछ है नहीं, हाँ ठीक है बाहर भी दोस्त होते हैं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फैमिली ही मतलब फैमिली फैमिली होती है। अपनी लाइफ की मम्मी को 3 मिस्टेक्स बताओ। एक मिस्टेक तो शादी देख ले, तीन मिस्टेक है कृतिका, देख ले फिर, देख फिर अपनी लाइन पे आ गई है, 3 मिस्टेक्स, ये मिस्टेक नहीं है, तो जब पापा मिस्टेक हुए तो फिर हम भी तो मिस्टेक ही हुए। नहीं नहीं, मेरे बच्चे मेरी जान है, गोलू चीना कन्नू मेरी जान है, गाइस ये मिस्टेक कोई मिस्टेक नहीं है मेरी जिंदगी की, ऐसा नहीं होता, सबकी उतना होती है, मुझे याद नहीं है। आप कैसे हैंडल करते हो कंट्रोवर्सी जब आपकी फैमिली पर कृतिका पर आती है, कोई कुछ बोलता है तो कैसे हैंडल करते हो? हैंडल क्या करते हैं, मैं कोई मुझे क्वेश्चन जवाब नहीं देती, नहीं मुझे लगता ही नहीं है, अगर हमें कोई क्वेश्चन आता भी है हमसे, हमारे ऊपर कोई उंगली भी उठाता तो हम ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको लगता है वो आपके क्वेश्चन है आपका माइंड में है तो कोई बात नहीं, कंट्रोवर्सीज तो देखो अगर जब तक आएगी तो बंदा उठेगा तो मैं बुरा उठेगा कैसे, कंट्रोवर्सी नहीं आएगी तो मैं किसी बात का बुरा नहीं मानती। आप अपने वेट लॉस से कितना सेटिस्फाइड है? मैं बहुत 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 खुश हूँ, पर मुझे ना एक बात समझ नहीं आ रही, मुझे अभी भी खुंदक आती है उस बात पे, जब मैं हेल्दी थी मेरी रेड पीट देते थे कि देख मोटा भैंसा सेंडा गाल चिपक गए, पहले सुंदर थी अब सुंदरता चली गई है। गाइस अभी मेरा वेट लूज हो तो धीरे धीरे मेरा मैं मानती हूँ मेरा ढलता है, धीरे धीरे मैं खाना जब अच्छा खाऊंगी ना अपने आप रंग भी फैलेगा, सब कुछ हो जाएगा सही, लेकिन उस चीज को थोड़ा टाइम दो, एकदम से किसी को ऐसे वो मत करो ना कि बंदा पहले भी डिप्रेशन में फिर और डिप्रेशन में चला जाए, इतना नहीं करना चाहिए किसी के साथ। आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा किससे बॉन्ड हो? मम्मी से, पापा मेरे सबसे, मेरे सबसे बॉन्ड है मेरे पूरे सब फैमिली से, चाचों से, हाँ मेरा सबसे है। क्या आप शादी के बाद व्लॉगिंग चैनल बनाओगे? हाँ ये रहो, हाँ गाइस मैं बनाऊंगी। क्या आपको ऐसे लगता है अरमान मलिक बहुत बार एरोगेंट बिहेवियर करते हैं आपके मम्मी पापा के साथ, वो ये शो करने में लगे रहते हैं कि आपके मम्मी पापा कंजूस है? नहीं गाइस, ये आपको लगता है, वो मजाक करते हैं, उनका तरीका होता है वो, मैं मानती हूँ आपको ऐसी वो चीज शो होती होगी, लेकिन उनका तरीका है, वो मम्मी पापा की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। एक ना वो भी होता है कि उनके मम्मी पापा है नहीं तो आज भी फोन आया था, वो अपने इनको अपने मम्मी पापा मानते हैं। आपकी कितनी अर्निंग हो जाती है यूट्यूब से? इतनी हो जाती है कि घर चल जाता है अच्छा, और सेविंग्स भी हो जाती है, ठीक है। क्या आप लोग बड़ा घर क्यों नहीं लेते हैं, आप छोटे घर में पड़े रहते हैं? हमें गाइस ना, हम लेने को ले सकते हैं घर, पर हमें ना जॉइंट फैमिली में ही रहना पसंद है, हमारे डॉग्स को देखते हैं सारे, मेरी मम्मी पापा शॉप पे चले जाते हैं, मम्मी भी कई बार चली जाती है, हम मैं अकेली होती तो अकेली, अब मैं घर पे कन्नू अकेला, कन्नू चले जाए कभी कहीं, मैं चली जाऊँ तो घर में होगा कौन, डॉग्स को कौन देखेगा, या हम अगर मैं अकेली तो मुझे कौन, तो ये है कि फैमिली, अगर कल को हम सब चले जाते हैं मम्मी जैसे अगर मम्मी और मैं चले जाते कृतिका घर तो पापा को देख लेती चाची, तो
ज्वाइंट फैमिली मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, अभी ये बच्चे बड़े हो गए ना, जब बच्चे छोटे थे तो पूरी फैमिली तो बच्चों को देखती थी, गोलू चीना कन्नू इसकी दादी संभालती थी सारे बच्चे। आपका भाई ब्लॉग में क्यों नहीं आता? क्योंकि वो शर्माता है थोड़ा, उसको नहीं पसंद इतना आना। कभी कभी आ भी जाता है जब ये 11 क्वेश्चंस। हाँ कभी कभी आ भी जाता है, मैं उसको बोलूंगी ना तेरे को सारे बोलते हैं तो आता क्यों नहीं, फिर आ जाता है। तो गाइस ये क्वेश्चन है कि एक अंकल का ऑपरेशन किससे हुआ था, आप एक ब्लॉग में प्रॉपर बताया कि कमर का क्या प्रॉब्लम थी। मैं बताती हूँ गाइस, चीना नहीं बता पाएगी, इनकी कमर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ नहीं थी। स्कूटर स्टार्ट कर रहे थे, स्कूटर स्टार्ट करते हुए किक मारी तो इनको कुछ लगा कि कुछ ना शायद मेरे साथ हुआ है, कुछ टुकड़ा सा टूट के हुआ है कुछ। नहीं कि किक बैग मार गई, प्रेशर आ गया और प्रेशर से बैग मार गई। हाँ तो कुछ हुआ है। तो दो दिन बाद क्या हुआ, इनके दर्द शुरू हो गई। मैंने मलवाने वाले घर में बुलाए, दो चार लोगों को बुलवाया, वो मालिश भी करके गए, सब कुछ हुआ, नहीं ठीक हुआ। मैं दो डॉक्टरों के पास इनको लेके गई तो उन्होंने कहा कि डिस्क टूट गई है, इनका ऑपरेशन होगा। मैंने फिर भी नहीं हार मानी, मैं कहा नहीं मैं सेकंड ओपिनियन लूँगी। सेकंड ओपिनियन भी लिया, उन्होंने भी यही कहा कि MRI कराओ। MRI तो करा ही ली थी हमने, तो इनका ऑपरेशन होगा। फिर मैं इनको लेके गई बड़े हॉस्पिटल, ये कौन से हॉस्पिटल, BL कपूर जो नंबर वन हॉस्पिटल है, मुझे उस पर पूरा फेथ था कि भाई ये सलाह गलत नहीं देंगे हमें। तो वहाँ गए तो उन्होंने भी कहा कि ये जो डिस्क है टूट के कभी किधर जा रही है कभी किधर जा रही है, तो हमें इनकी डिस्क निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत नुकसान करेगी, अब देखो किस जगह पे है कभी किस जगह पे है। तो उन्होंने वो डिस्क निकाल दी थी वहाँ से, तो वहाँ ऑपरेशन किया था। तो 2-2.5 साल तक तो इनका ठीक रहा, अब दोबारा से इनको दोबारा पेन हो गई है, तो मैंने MRI दोबारा करवाया। तो अब मैंने जो इलाज इनका कराया वो बालाजी हॉस्पिटल से करवाया, तो अब इनको 50% आराम है, दवाइयाँ भी खा रहे हैं और साथ में इनकी फिजियोथेरेपी भी हो रही है, 50% इनको आराम है, 50% और भी आ जाए। सो गाइस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट कभी भी ब्लॉग में बता देंगे। ये क्वेश्चन भी हमने 3-4 दिन बाद लिए ताकि हम क्वेश्चंस इकट्ठे कर पाएं। और अगर आप डाइट वाला पूछना चाहते तो मैं आपको एक दिन में 2-4 रेसिपीज बता सकती हूँ, अच्छी अच्छी छोटी छोटी, मतलब बड़ी बहुत बड़ी नहीं, छोटी छोटी जो 5-7 मिनट 10 मिनट में बन जाए, वो छोटी छोटी, जैसे पीनट्स के साथ होगी या चिया सीड्स के साथ हो गई या कोई स्मूदी होगी जो वेट लूज के काम आएगी, तो वो बहुत चीजें मैं आपको बता सकती हूँ। तब तक ले बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अगर आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स कैसे लगे तो आप जरूर बताना हमें, और क्वेश्चन भी हमसे पूछना कमेंट्स करके, मैं सबके आपको जवाब दूंगी। थैंक यू।